गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाली हूँ एक ऐसा ऑफिस बैग जिसको कि आप मल्टीपर्पज ट्रैवलिंग बैग की तरह भी यूज कर सकते हो, जिसमें कि लैपटॉप कंपार्टमेंट पे प्रोवाइड किया गया है। ये बैग है रेड लेमन पॉलिस्टर बैंड सीरीज का, जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। और ये देख सकते हो आपके सामने प्लास्टिक में बंद, इसको निकालते हैं। तो ये रहा बैग और यहाँ पर देखो बैंज लिखा हुआ भी है। और इसका जो लुक है ना आगे का कुछ ऐसा है, और इस लुक में छुपा हुआ है एक कंपार्टमेंट। ये देखो ये जो है आपका कुछ इतना अंदर का इसका एरिया है, यहाँ तक ये आता है इस लाइन तक। हम लोग अपने रुपए पैसे जो भी है छुपा के रख सकते हैं। ये देखो गायब भी हो जाता है बिल्कुल। और सेकेंड चैन है यहाँ पर इस एरिया में, तो ये भी एक तरह से हिडन ही है। और ये वाला कुछ इतना एरिया है अंदर का, ये देखो पूरा ये जो स्पेस है ये पूरा कवर करता है। अब आते हैं इसके मेन कंपार्टमेंट पर, यानी कि मिडल कंपार्टमेंट। मिडल कंपार्टमेंट कुछ इतना बड़ा है। फर्स्ट वाले में भी यार काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। ये देखो यहाँ पर ये नेट वगैरह दिया गया है, जिसमें कि आप लोग कुछ कुछ यूज़फुल सामान को रख सकते हो, जो कि आप चाहते हो कि आपके सामने एकदम सबसे पहले दिख जाए। इसके बाद यहाँ आपको एक वायर दिख रहा होगा जो कि है चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पे आप आराम से अपना इसमें अपना पावर बैंक वगैरह कनेक्ट कर लो, फ़ोन चार्ज कर सकते हो यहाँ के थ्रू। ये देखो अंदर में रखो पावर बैंक, यहाँ पर चुपचाप से यूएसबी केबल लगाओ, फ़ोन चार्ज करो, कोई टेंशन नहीं। इसके साथ ही इसी कंपार्टमेंट में यहाँ पर दो पेन रखने के लिए कंपार्टमेंट दिया गया है एक्स्ट्रा, यहाँ पर कुछ कुछ सामान रखने के लिए। तो इसको तो मैं बेसिकली एसएसडी वगैरह रखने के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ पर अपने की को रख सकते हो, क्योंकि चाबी जो है ना बहुत ज़्यादा खोती है घर की, जब भी हम लोग ट्रैवलिंग के लिए बाहर निकलते हैं या फिर कोई भी काम के लिए, तो इसमें आप की रख सकते हो। ये तो हो गई इस कंपार्टमेंट की बात, इसको किया जाए क्लोज। अब दिखाते हैं इसका मिडल कंपार्टमेंट। मिडल कंपार्टमेंट को दिखाने के लिए पहले तो मुझे आपको इससे थोड़ा सा लूज़ करना होगा, क्योंकि मिडल कंपार्टमेंट में आप कपड़े रख सकते हो। जी हाँ सही सुना आपने, एज अ सूटकेस बन जाएगा ये आपका। और इसी के रीज़न से इसके मिडल में भी यहाँ पर हैंडल प्रोवाइड किया गया है, आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हो। इसको हल्का लूज़ कर लिया जाए पहले, तो तभी आपको सही से पता चल पाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये हो गया एंड ये देखो 180 डिग्री ओपन हो चुका है हमारा ये बैग। और इसमें आप लोग रख सकते हो अपने क्लॉथ्स, ये वाले एरिया में आप अपना कपड़ा रख सकते हो। आपको लग रहा होगा यार इतना छोटा सा एरिया में कैसे रखेंगे, तो अभी मैजिक बाकी है दोस्त। पहले तो आपको ये वाला एरिया दिखा दूँ, यहाँ पर आप लोग कुछ ऐसी चीज़ों को रख सकते हो, जैसे कि आप पानी से बचाना चाहते हो। ये पूरा वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट है, ये स्पेशल एरिया, पूरा प्लास्टिक यूज़ हुआ हुआ है और बहुत सही मटेरियल है, कुछ अलग है, मतलब प्योर प्लास्टिक भी नहीं कहूँगी, उसके साथ साथ इसमें एक वायर यूज़ हुआ है वो भी प्लास्टिक टाइप ही है, तो बहुत ही अलग सा है। ये बाकी बैग से यूनिक बनाता है इस बैग को। इवन इसका जिप जो है ना देखो कितना ज़्यादा बड़ा है, बाकी जिप के मुकाबले आपको यूनिक लगेगा ये वाला देखने में। ऐसा लगेगा जैसे कि ट्रॉली का जिप हो, इतना बड़ा है ये। यहाँ पर एक और जिप भी प्रोवाइड किया गया इसी के जस्ट नीचे, जो कि आपको दिख रहा होगा इस एरिया में। जैसे ही हम लोग इसको इतना ओपन करेंगे ना, ये देखिए इसकी चौड़ाई कुछ इतनी बढ़ जाती है। ये ऐसे कॉम्प्रेस होके था, ये बढ़ गया इतना, तो ये काफ़ी परफेक्ट है। और इसी में आएंगे आपके क्लॉथ्स, ये बन चुका है अब एक ट्रॉली बैग। ये देखिए 360 डिग्री ओपन किया और इसकी चौड़ाई जो है इतनी सी इतनी हो चुकी है, तो ये काफ़ी बेस्ट है। और अब आपके जो क्लॉथ्स हैं वो ईजिली, ये देखो एरिया कितना ज़्यादा बढ़ गया। अभी ये चिपका हुआ था तो पता ही नहीं चल रहा था कि यार इसमें कपड़े कैसे आएंगे, बट अब आराम से आ सकते हैं आप इसमें। कम से कम तो यार 3 से 4 दिन का कपड़ा जो है आराम से ले जा सकते हो। चौड़ाई काफ़ी अच्छी खासी है, देखो मुझे तो काफ़ी पसंद आया इसका वेट। इसमें सामान कपड़ा वॉट एवर यू वॉन्ट आप रख सकते हो। दो सिलिका जेल्स प्रोवाइड किए गए हैं, कपड़े आपके अच्छे से रहें इसलिए इसको दिया गया, ताकि ये रहेगा तो कपड़ा उल्टेगा नहीं। सबसे लास्ट कंपार्टमेंट आपको दिखाते हैं, जो कि है लैपटॉप कंपार्टमेंट। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना कि ये एक मल्टीपर्पस बैग है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। ये देखो ये वाला है लास्ट चैन, और लास्ट चैन भी आपका कुछ इतना ओपन होता है, कुछ इस तरह से ये आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना लैपटॉप रख सकते हो, और यहाँ ना एक वेलवेट वाला कपड़ा यूज़ किया गया है, और उसके नीचे पूरा कुशन है, जिससे कि लैपटॉप आपका 15.6 इंचेस का जो लैपटॉप है
काफी अच्छे से यहाँ पर भी वेलवेट है यार, मतलब मखमल जैसा बना दिया गया है लैपटॉप को रखने के लिए। और इस जगह पे एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पर आप कुछ यूजफुल एक्सेसरीज रख सकते हो, लैपटॉप की या फिर अगर टैबलेट है तो टैबलेट भी आ जाएगा, इतना बड़ा स्पेस है इसमें। तो ये था टोटल अंदर का फंक्शंस। अब दिखाते हैं आपको बाहर का एरिया, क्योंकि इसका ना सिर्फ अंदर का, बाहर का एरिया भी बहुत ज़्यादा खास है। पीछे साइड अगर देखें तो पीछे साइड में यहाँ पर कुशन प्रोवाइड किया गया है, ये भी एरिया बहुत ज़्यादा सुपर्ब है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्लॉथ क्वालिटी। ये आपको देख के लग रहा होगा यार पीछे तो बस कुशंस है कुछ और नहीं है, बट यहाँ पर भी एक सीक्रेट छुपा है इस एरिया में। यहाँ एक चैन है को अगर हम लोग खोलें तो ये पूरा एक कंपार्टमेंट बन जाता है जो कि कुछ इतना, यहाँ पर भी आप लोग अपना सामान रख सकते हो। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि एक ऐसा एरिया है ना कि जहाँ किसी को शक ही नहीं होगा, कोई कुछ चुरा ही नहीं सकता है। और ये वाला बेल्ट इसलिए दिया गया ताकि ये छुपा रहे, और सेकंड इसका यूज़ ये भी है कि जब हम लोग ट्रॉली बैग के साथ एक बैग को यूज़ करते हैं तो ट्रॉली का जो ऊपर का हैंडल है ना, इसमें आराम से इतना दूर तक आ जाएगा, आप आराम से ट्रॉली खींच सकते हो इसको ट्रॉली बैग के ऊपर रख करके, कुछ इस तरह से जैसा कि फोटो में देखो शो हो रहा है। साथ ही यहाँ पर ये मिडिल एरिया भी दिया गया है ताकि अगर वेट ज़्यादा लग रहा हो तो इसको आप लगा लो, इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं ये वाला, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा भारी होने की वजह से ये कंधे से सड़कने लगता है, तो ये लगा लोगे तो नहीं सड़केगा। ये वाला एरिया भी काफी बड़ा है, आप इसको बड़ा छोटा अपने अनुसार कर सकते हो। साइड में भी आपका यहाँ पर हैंडल दिया गया है, इसके साथ ही यहाँ पर सबसे ऊपर में भी हैंडल दिया गया है, और हैंडल की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, काफी अच्छे से इसे ज्वाइन किया गया है ये देखो, जिससे कि ना ये उखड़ेगा नहीं कितना भी आप इसमें वेट रख लो। टोटल इसमें 35 लीटर की कैपेसिटी है। इसमें सब कुछ तो सही लगा, बस एक ही चीज मिसिंग है कि इसमें वाटर बॉटल सेक्शन नहीं दिया गया है। वाटर बॉटल के लिए यार आपको कुछ जुगाड़ लगाने होंगे, अगर मिल्टन वगैरह का वाटर बॉटल यूज करते हो तो फिर अंदर में ही आ जाएगा पानी वगैरह, उसमें से गिरेगा नहीं, स्पिल नहीं होगा। वाटर बॉटल का सेक्शन आई गेस इस वजह से भी नहीं दिया गया क्योंकि ये 180 डिग्री खुलता है, तो यार वाटर बॉटल के सेक्शन की वजह से इसका डिजाइन लुक खराब हो जाता। बस बाकी मुझे तो यार काफी सही लगा, ऑफिस बैग की तरह आप इसे यूज कर सकते हो, ट्रैवलिंग बैग की तरह यूज कर सकते हो, मल्टीपर्पज बैग है। तो अगर इसे बाय करना चाहते हो तो उसका बाय लिंक कीजिए डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया आया चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह के बैग्स के वीडियोस देखने के लिए और भी अच्छे अच्छे मैंने बैग्स अनबॉक्स करके रखे हैं, जिसका की वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है आपको ये ना पसंद आए, वो साड़ी पसंद आ जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।